वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मल लेक्चर। सो गाइस, जैसा कि हम माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 5 में लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे, तो इसमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं। तो गाइस, एक टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ और एक टॉपिक जो लास्ट बच जाएगा एप्लीकेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर, जनरल प्रोसीजर फॉर सेल कल्चर, प्राइमरी एस्टैब्लिश्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस का नहीं देखा है तो ऊपर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट के आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन कल्चर। तो पहला टॉपिक ये है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल सेल कल्चर, यानी एनिमल सेल का हम कल्चर कर रहे हैं। कैसे करेंगे तो पहले वो देख लेते हैं। जो एनिमल सेल कल्चर होता है, अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कल्टिवेशन ऑफ एनी एनिमल सेल, यानी जो एनिमल्स होते हैं इनका हम क्या करेंगे, एक सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे आउट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से निकाल लिया एक सेल को, बाई प्रोवाइडिंग द सेल विद अ सुटेबल एनवायरनमेंट एंड रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, इनका हम कल्चर करेंगे। तो एक अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएंगे और सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से इनका हम कल्चर करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सेल कल्चर में, जो सेल कल्चर होता है अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो तीन टाइप्स में होता है। एक प्राइमरी सेल कल्चर, जिसके अंदर आता है एडरेंट सेल कल्चर और सस्पेंशन सेल कल्चर। सेकंड वन इज सेकेंडरी सेल कल्चर, थर्ड वन इज सेल लाइन। सेल लाइन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट जो वीडियो के एंड में, और फाइनाइट सेल लाइन इसके अंदर आता है और कंटिन्यूस सेल लाइन आता है। तो जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए एनिमल सेल कल्चर के लिए, तो वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, तो इनक्यूबेटर है, स्टरलाइजर है, माइक्रोस्कोप, वॉशिंग ऑफ इक्विपमेंट, स्टरलाइजिंग एंड ड्राइंग ओवन, वाटर प्यूरिफिकेशन, सेल फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूग और ऑटोमेटिक पिपेट। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए एनिमल सेल कल्चर के लिए। तो आगे पॉइंट्स देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि ये नोट में लिखा है, आपको ये माइंड में फिक्स रहना चाहिए कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कल्चर द सेल ऑफ एनिमल, यानी एनिमल सेल का जो हम कल्चर करें ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर हम कंपेयर करें किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिक सेल का कल्चर करना ईजी है, बट एनिमल्स का हार्ड है। क्यों हार्ड है? बिकॉज जो एनिमल सेल है वो रिक्वायर करता है मोर न्यूट्रिएंट्स, एंड टिपिकली दे ग्रो, और वो ग्रो होते हैं बाई अटैच टू अ स्पेशल कोटेड सरफेस। तो देख लेते हैं और इसके बारे में फ्यू पॉइंट्स डेट मस्ट बी केप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू सी प्रॉपर अ ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल इन कल्चर आर लिस्टेड बिलो। तो गाइस, आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कुछ पॉइंट्स को, और गाइस इन्हीं पांच जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिफाइन करेंगे डिटेल्स में। तो बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये कंप्लीट लिख देना है, 7 मार्क्स में आएगा या 10 मार्क्स जो भी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 7 मार्क्स में आता है अगर आएगा तो। देख लेते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट रिक्वायर रिच मीडिया, यानी रिच मीडिया हमें चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला मीडिया होना चाहिए तभी तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल ग्रो ओनली ऑन स्पेशल सॉलिड सर्फेस, यानी उनके लिए कुछ स्पेशल सॉलिड सर्फेस चाहिए होते हैं जो एनिमल सेल ग्रो होंगे। प्राइमरी जो सेल होंगे हैव लिमिटेड ग्रोथ, इनका लिमिटेड ग्रोथ होता है। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे प्राइमरी सेल कौन से होते हैं। कल्चर सेल कैन बी इंड्यूस टू फ्यूज इंटू हेटरोकैरियोन्स, तो ये भी हम आगे देखेंगे डिटेल्स में। तो जो मैंने गाइस यहाँ पे सब हेडिंग डाली है, ये हेडिंग बन के मैंने आपको इसके अंदर के डिटेल बताऊंगा। नॉलेज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्म सेल, यानी ट्रांसफॉर्म सेल के बारे में भी जानना हमें जरूरी है। तो वन बाय वन देख लेते हैं जो ये पॉइंट्स था। पहला था इट रिक्वायर रिच मीडिया, तो यहाँ पे देख लो गाइस, जैसा कि इन्हीं पॉइंट्स को मैंने डिटेल किया है, रिच मीडिया आर रिक्वायर्ड फॉर कल्चर ऑफ एनिमल सेल। तो इस कैसे, मतलब कि जो हमारा मीडिया है उसको कैसे हम बनाएं ताकि जो एनिमल सेल है उसका कल्चर कर पाएं। तो इन ऑर्डर टू कल्टिवेट एनिमल सेल, अगर हम कल्टिवेट कर रहे हैं एनिमल सेल को तो हमें ज़रूरत क्या है, एक कल्चर मीडिया जहाँ पे उसका कल्टिवेशन होगा। तो जो कल्चर होगा वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए दैट आर रिक्वायर्ड बाय द सेल ऑफ एन एनिमल, यानी एनिमल सेल का ये रिक्वायरमेंट होता है कि हमें तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला ही कल्चर चाहिए, बल्कि मीडिया चाहिए जहाँ पे ये अच्छे से इनका ग्रोथ शो कर पाएंगे, ये टू शो देयर प्रॉपर ग्रोथ। और पॉइंट्स देख लेते हैं, ऐसे एक और पॉइंट देख लेते हैं, जो मीडिया होना चाहिए मस्ट कंप्राइजेस ऑफ 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होना चाहिए उसमें, मीडिया में, और विटामिन्स होना चाहिए और पेप्टाइड होना चाहिए, अगर पेप्टाइड नहीं है तो प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर,
जो कि जनरली हमें मिल जाता है एक सीरम में। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मोस्ट एनिमल सेल ग्रो ओनली ऑन स्पेशल सॉलिड सरफेस, मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द जो कल्चर एनिमल सेल होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एक सरफेस जिस पे वो ग्रो हो पाए। तो मैनी सेल्स डेट हैव द कैपेबिलिटी टू अधेयर या ग्रो ऑन ग्लास और ऑन स्पेशल ट्रीटेड प्लास्टिक विद नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ऑन द सरफेस। सो एक्चुअली द कल्चर सेल सीक्रेट कॉलेजन एंड अदर मैट्रिक्स कॉम्पोनेंट, जो कल्चर सेल होता है वो सीक्रेट करता है कॉलेजन या अलग मैट्रिक्स कॉम्पोनेंट्स को जो कि बाइंड्स होता है किससे, तो कल्चर सरफेस से, और फंक्शन प्रोवाइड करवाता है ब्रिज बिटवीन जो हमारा कल्चर है उसका सरफेस और सेल का। जो प्राइमरी सेल हैव लिमिटेड ग्रोथ, मतलब पहले बात तो ये प्राइमरी सेल आखिर है कौन सी सेल, तो गैस कोई भी एनिमल है, एनिमल से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जैसे कि मुर्गी मान लो, उस मुर्गी का हमने क्या किया एक सेल निकाला, जो ये सेल निकाला है ना गैस, तो ये हो गया प्राइमरी सेल। अब इसके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे तो वो आगे देखेंगे, बट सबसे पहले तो यही है कि प्राइमरी सेल आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ये प्राइमरी सेल होते हैं, इनका लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है इन कल्चर, यानी लिमिटेड ग्रोथ होता है, और ये क्या करती हैं सेल स्ट्रेन को गिव राइज करती हैं यानी देती है। तो सेल स्ट्रेन क्या है, तो सेल स्ट्रेन एक पॉपुलेशन है कल्चर्ड सेल का जो कि एनिमल ओरिजिन है यानी एनिमल सेल से आया हुआ है ये, डेट हैज़ फाइनाइट लाइफ स्पैन, यानी इसका फाइनाइट लाइफ स्पैन है इन कॉन्ट्रास्ट टू अ सेल लाइन, मतलब कि अगर हम सेल लाइन की बात करें तो इनके अगेंस्ट इनका फाइनाइट लाइफ स्पैन है। तो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सेल लाइन अब क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने सेल स्ट्रेन पढ़ा था, यहाँ पे सेल लाइन है, दोनों ही पॉपुलेशन ऑफ कल्चर सेल ऑफ एनिमल ओरिजिन होते हैं, यानी पॉपुलेशन होता है किसका, कल्चर सेल का, कहाँ से आए हुए हैं तो एनिमल ओरिजिन है, डेट हैज अंडरगो अ चेंज अलाउिंग द सेल ग्रोथ इन्फिनेटली इन कॉन्ट्रास्ट टू अ सेल स्ट्रेन, मतलब जो सेल स्ट्रेन है सेल लाइन है, सेल स्ट्रेन फाइनाइट लाइफ स्पैन है बट जो सेल लाइन है वो इन्फिनेट लाइफ स्पैन है, यानी इनका इन्फिनेट लाइफ स्पैन और ग्रोथ है। क्यों है, तो जो सेल लाइन है इनके ऊपर हम क्या करते हैं केमिकल या वायरस से अटैक करवाते हैं जिनकी वजह से जो इनका लाइफ स्पैन है वो चेंज होकर के इन्फिनेट बन जाता है। फोर्थ पॉइंट, कल्चर सेल कैन बी इंड्यूस्ड टू फ्यूज इनटू हेटरोकैरियोन्स, तो ये देख लेते हैं, जो कल्चर सेल है कैन बी इंड्यूस्ड टू फ्यूज इनटू हाइब्रिड यानी हेटरोकैरियोन्स बाय ट्रीटमेंट। अब ये जो कल्चर सेल होता है इनको हम क्या करवाते हैं, इनको हम ट्रीटमेंट करवाते हैं किससे, सर्टेन वायरसेस यानी कुछ वायरसेस से या फिर कोई केमिकल, जैसे कि केमिकल का नाम लूँ तो पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर इनसे हम ट्रीटमेंट करवाते हैं कोई कल्चर सेल का तो वो फ्यूज होता है किन में, तो हेटरोकैरियोन्स में, तो हेटरोकैरियोन्स बिटवीन सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टेंड टू लॉस द क्रोमोसोम ऑफ वन स्पीसीज एज दे डिवाइडेड। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा, जो हेटरोकैरियोन्स होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब ये कंटेन करते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे हैप्लॉइड में आप देख सकते हो गाइस, और ये हेटरोकैरियोन्स होते हैं और ये डिप्लॉइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लास्ट पॉइंट ये था कि नॉलेज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्म सेल, तो ये ट्रांसफॉर्म सेल डेट आर ड्राइव फ्रॉम ट्यूमर और अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम प्राइमरी रोडेंट सेल ग्रो इनडेफिनेटली इन कल्चर, मतलब क्या, वो बहुत ही ईजी वे में आपको अगर मैं समझाऊँ तो गाइस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सेल को ट्यूमर से या प्राइमरी रोडेंट से, तो जो ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो इनडेफिनेटली इन कल्चर, यानी इनडेफिनेटली ग्रो होंगे कल्चर में। जो ये ट्रांसफॉर्म सेल है अगर हम इनको ड्राइव करेंगे तो ये सिंगल पेरेंट सेल होते हैं और इनको हम सेल लाइन बोलते हैं, और सेल लाइन जैसा कि आपको गाइस मैंने बता रखा है इनका इन्फिनेट लाइफ स्पैन होता है। सो गाइस अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा 7 मार्क्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और गाइस नीचे बहुत सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन है में, तो आप जा कर के वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।